Hello everyone, welcome to Static GK series. I am Abhishek Singh. Today we are going to discuss important days. So dosto, important days jo hain bahut hi mahatvapurna topic hai competitive exams ke liye. कोई सा भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव, जैसे कि CLAT हो गया, IAS हो गया, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हो गई, तो उनमें ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन फिक्स्ड है जो आपसे पूछा जाएगा. एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपसे पूछता ही है कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है. ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इजीली कवर हो जाता है, इजी है, इतना टफ भी नहीं है, क्वेश्चंस भी इजी आते हैं, स्कोरिंग है. तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप सिर्फ एक या दो घंटे इस टॉपिक पर बिता के आप जो है अपने मार्क्स को जो है कवर कर सकते हैं. एंड यू नो कि 1 or 2 मार्क्स कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज. तो मैं आज आपसे इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज जो है इस वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस करने वाला हूं, और मैं इन डेप्थ में इन डेज को डिस्कस करूंगा. जनवरी 1st जो है हम ग्लोबल फैमिली डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. तो जनवरी 1 जो है हमने ग्लोबल फैमिली डे के नाम से दे दिया है. और जनवरी का जो मंथ है आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट भी होते हैं. तो जनवरी ऐसा मंथ है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट आता है जनवरी 4 ब्रेली डे. ब्रेली डे जो है हम इस दिन लुईस ब्रेली का बर्थडे मनाते हैं. ठीक है, 4th of January को हम लुईस ब्रेली जो है उनका बर्थडे मनाते हैं. लुईस ब्रेली जो है उन्होंने ब्रेली लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था, जो कि ब्लाइंड पीपल को स्टडी करने में मदद करता है. ठीक है, जनवरी 9 जो है NRI डे और प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से मनाया जाता है. तो NRI मतलब हम यहाँ पर इस दिन NRIs को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं. हुआ ये था कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से सीधे बॉम्बे आए थे. ठीक है, एंड गांधी जी ने कितना योगदान दिया है इंडिया में, इसलिए जो भी NRIs हैं उनको इम्पोर्टेंस देने, उनको ऑनर करने के लिए जो है हम प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. जनवरी 10 जो है वर्ल्ड लाफ्टर डे एंड वर्ल्ड हिंदी डे के नाम से जाना जाता है. ठीक है, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जनवरी 10. जनवरी 12 नेशनल यूथ डे. नेशनल यूथ डे जो है विवेक आनंद की, इस दिन जो है विवेक आनंद, स्वामी विवेक आनंद जी जो हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. और विवेक आनंद जी जो हैं यूथ आइकन के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए हमने इसे नेशनल यूथ डे के नाम से इसको हम सेलिब्रेट करते हैं. जनवरी 15 जो है नेशनल आर्मी डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. मैं डिटेल में आपसे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा इन सब डेज को एक बार. और जनवरी 23 जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी. अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो भी, उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है इंडिया की आज़ादी के लिए, तो हम जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ऐसे उनको याद करते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, तो जनवरी 23 जो है हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दिया. ठीक है, जनवरी 24 नेशनल चाइल्ड डे ऑफ इंडिया. ठीक है, 24 जनवरी को हम नेशनल चाइल्ड डे ऑफ इंडिया मनाते हैं. तो ये नेशनल डे है. ठीक है, मैंने आगे नेशनल भी लिखा है और इंडिया इसलिए मेंशन किया है कि सिर्फ ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है. जनवरी 25 नेशनल वोटर्स डे. ठीक है, एंड नेशनल टूरिज्म डे. नेक्स्ट आता है जनवरी 30 नेशनल मार्टियर्स डे. ठीक है, तो मार्टियर्स डे हम जो है शहीद दिवस बोलते हैं इसको. इस दिन जो है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, इसीलिए हम इसे शहीद दिवस के नाम से जो है जनवरी 30 जनवरी जो है हम शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं. चलिए इन सब डेज को, इम्पॉर्टेंट डेज को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसा कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ आपको, ग्लोबल फैमिली डे जो है पीस एंड शेयरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है,
और इसको हम हर साल जनवरी में मनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट एज अ ग्लोबल डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग। ठीक है, मतलब यूनाइटेड स्टेट जो है उस जनवरी 1st में यहाँ पर पीस एंड शेयरिंग दिखता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वादा किया जाता है, ये प्रॉमिस किया जाता है कि इस दिन हम जो है पीस एंड हारमोनी के साथ रहेंगे। ठीक है, मतलब वन डे इन पीस के नाम से जाना जाता है। ब्रेली डे जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वर्ल्ड ब्रेली डे मनाते हैं हम। ठीक है, ये इंटरनेशनल डे है तो ये हम हर साल 4 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, हम ऑनर करते हैं बर्थडे ऑफ लुईस ब्रेली का। ठीक है, और लुईस ब्रेली को हम क्रेडिट देते हैं इस दिन, क्योंकि उन्होंने ब्रेली लैंग्वेज का जो है इन्वेंशन किया था, और जो ब्रेली लैंग्वेज है वो ब्लाइंड पीपल को मदद करता है पढ़ने में और लिखने में। ठीक है, जो लैंग्वेज उन्होंने डेवलप करी थी लुईस ब्रेली ने, उन्हें हम उस लैंग्वेज को हम ब्रेली लैंग्वेज बोलते हैं। एनजीओज जो हैं वर्ल्ड में वो इस दिन जो है अवेयरनेस बता फैलाते हैं इस लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, और कैसे जो ब्लाइंड पीपल है क्या समस्या आती है उन चीज़ के बारे में जो एनजीओज हैं वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है एनआरआई डे और प्रवासी भारतीय दिवस। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेनली जो है प्रवासी भारतीय दिवस हम इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि इस दिन महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से सीधा बॉम्बे आए थे 9 जनवरी को 1915 में। ठीक है, इसका एब्रीवेशन है PBD। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस और पूछा जाता है या ऐसा क्वेश्चंस और पूछ लिया जाएगा अगर कोई ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है, जैसे IAS में आपसे क्वेश्चन ये सब पूछ लिया जाएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कौन ऑब्जर्व करता है, तो हमारा आंसर आना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो NRI डे इज ऑब्जर्व बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, 2003 में जो है ये हम जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सेलिब्रेट करना शुरू कर किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इनको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे कभी घुमा फिरा कर भी जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इस पर मोस्टली मे बी इन मेनी ऑफ दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक क्लर्क है या बैंक PO है, तो इसमें बहुत बार ये पूछा गया है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर आपको ज़्यादा फोकस करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे जो है हम इंडिया में ही सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को। ठीक है, इस दिन जो है हम स्वामी विवेकानंद जी का जो है बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 1984 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, और ये हर साल हम इंडिया में मनाते हैं, और आप सभी को पता है स्वामी विवेकानंद जी हैं जो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने यूथ को हमेशा रिप्रेजेंट किया, इसलिए इसको नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल आर्मी डे, जो हम 15 जनवरी को हर साल मनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जनरल KM करप्पा जो थे उन्होंने वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे इस दिन। ठीक है, 15 जनवरी को KM करप्पा जो थे वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे इंडिया के। ठीक है, इंडियन आर्मी के जो है वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए कि KM करप्पा आपसे पूछ ली जाएंगे कि KM करप्पा कौन थे, तो आप एक आंसर दे सकते हैं कि फर्स्ट कमांडर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो है वो थे KM करप्पा। ठीक है, इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है परेड्स या फिर मिलिट्री शोज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम जो है यंग वोटर्स को इनकरेज करते हैं कि आपको वोट देना है, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, वो कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में अहमियत देगा। ठीक है, कैसे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
को सिलेक्ट करने में मदद करेगा, ठीक है, हम कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड की जा सकती है आपके वोट से, तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए वो, ठीक है, हम जो है नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। तो यंग वोटर्स जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए जो हम हैं नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इंडिया, ठीक है। इंडिया मैंने इसलिए लिखा है कि गर्ल चाइल्ड डे इंटरनेशनली भी इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, पर 24 जनवरी को जो गर्ल चाइल्ड डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो हम इंडिया में करते हैं और वो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इंडिया में जो है गर्ल्स का रेशो है, गर्ल चाइल्ड का रेशो जो है वो कम हो गया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन बनाया, ठीक है, कि गर्ल्स का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने गर्ल चाइल्ड को बहुत अहमियत दिया और उन्होंने एक मिशन सेट कर लिया, एक टारगेट सेट कर लिया कि हमें जो है इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड का प्रमोशन करना है, ठीक है। मतलब प्रमोशन करना है कि गर्ल चाइल्ड कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो देश के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो है हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी के। सो गाइस, जनवरी में यही इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं। अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस हुए हैं वीडियोस में बीच में बोलने में, तो उनको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मैं कोशिश करूँगा इसको इम्प्रूव करने की। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट।